शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम। आज आवाज इंडिया न्यूज की टीम ने जयपुर शहर की मशहूर डेंटल डॉक्टर सपना शेखावत से की मुलाकात और जाना उनकी जिंदगी के बारे में, कैसे वे अपने पेशेंट का इलाज करती है और इस कोरोना काल के अंदर उन्होंने अपनी कीमती समय निकाल कर मरीजों को दिया और उन्हें ठीक किया। आइए करवाते हैं एक मुलाकात डॉक्टर सपना शेखावत के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज। और आज मैं आपको जयपुर शहर की एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाता हूं जो किसी के नाम की मोहताज नहीं, किसी के काम की मोहताज नहीं, जो भी किया है अपने दम पे किया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर सपना शेखावत की, जो एक डेंटिस्ट है और उन्होंने इस पैंडेमिक टाइम के अंदर जो बढ़ चढ़ कर लोगों की मदद की है, लोगों का इलाज किया है, वो काबिल तारीफ है। मैं वक्त जाया ना करते हुए आपसे जल्द से जल्द उनकी मुलाकात करवाता हूँ। नमस्कार, कैसी हैं आप? सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सपना शेखावत है और मैं सभी लोगों से बोलूंगी कि इस पेंडेमिक में प्लीज बी सेफ एंड बी एट होम। ओके, कुछ अपने बारे में बताएं। जी, मैंने अपनी बीडीएस 2004 में पास आउट करी थी फ्रॉम बापूजी डेंटल कॉलेज दावनगिरी। उसके बाद आई डिड माय इंटर्नशिप फ्रॉम रोहतक और उसके बाद मैंने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स किया था अपोलो दिल्ली से। देन आई वर्क देयर इन एम्स रूरल ब्रांच फॉर 2 ईयर्स। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड माय ओन क्लिनिक इन जयपुर। और इस पैंडेमिक टाइम के अंदर अभी कितने केसेस आप पर डे देख रही हैं? जी, पैंडेमिक में हम बेसिकली अपॉइंटमेंट बेसिस पे ले रहे हैं पेशेंट्स को ताकि इन्फेक्शन अंडर कंट्रोल रहे, तो 2 से 2 to 3 अपॉइंटमेंट्स हम डेली के दे रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट कंप्लेंट। ओके, सो आपके पास इस पैंडेमिक टाइम के अंदर कोई ब्लैक फंगस जैसा केस भी आया है? नहीं, एज सच मेरे पास कोई ब्लैक फंगस वाला केस तो नहीं आया, पर हाँ मैं सभी लोगों से बोलना चाहूँगी कि जिसको भी जिसने भी कोविड से रिकवर किया है वो अपनी ओरल कैविटी के हाइजीन पे जरूर ध्यान दें। अगर उनको कभी भी ऐसे लग रहा है बैड ब्रेथ या फिर टीथ लूजिंग उनको लग रही है तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ओके। सो अभी आप पर डे कितने पेशेंट देख रही हैं, मतलब इस लॉकडाउन से पहले कितने पेशेंट देख रही थी, लॉकडाउन के कितने पेशेंट देख रही थी? देखिए, लॉकडाउन से पहले तो डेली वॉकिंग पेशेंट जो होते हैं वो तो होते ही हैं, प्लस अपॉइंटमेंट भी रहते हैं, तो डेली के आप 7 to 8 पेशेंट देखते हैं। क्योंकि डेंटल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि किसी भी अगर RCT भी करनी पड़े तो हम लोगों को सिंगल पेशेंट पे ही खर्चा लग जाता है। और लॉकडाउन में हम बेसिकली जिस पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा अंडर पेन है उन्हीं को हम देख रहे हैं, तो 2 to 3 पेशेंट ड्यूरिंग लॉकडाउन। ओके, सो क्या फीस चार्ज करती हैं आप पेशेंट से? जी, मैंने अपनी पेशेंट से वही फीस रखी है जो कि बिफोर लॉकडाउन थी। हमने लॉकडाउन में कुछ भी इंक्रीज नहीं किया। हालांकि डॉक्टर्स की काफ़ी PPE किट और सर्जिकल गाउंस और जो भी स्टेरिलाइजेशन मटीरियल थे वो काफ़ी कॉस्टली हो गए, तो हमने फीस वही रखी है जो हमने लॉकडाउन से पहले रखी 200। अच्छा, कई बार क्या होता है ना कि इस पैंडेमिक टाइम के अंदर इस लॉकडाउन में लोगों के पास इलाज कराने के पैसे नहीं थे, खाने के पैसे नहीं थे, और अगर उनको कोई बीमारी होती थी तो वो जब अपने बड़े अस्पतालों की तरफ या बड़ी क्लिनिक की तरफ रूट करते तो अपनी जेब की तरफ जैसे नहीं हाथ पहुँचाते तो खाली पर महसूस करते थे। ऐसे में आपने क्या प्रोटोकॉल बनाया था? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है ड्यूरिंग पेंडेमिक, सभी लोगों का पैसों को लेकर कुछ ज़्यादा ही उनकी प्रॉब्लम्स रही है, तो हमने ये कोशिश की है कि जिसको भी ऐसी दिक्कत है हम उनको फ्री में मेडिसिन दे दें और फ्री कंसल्टेशन कर दें। ओके, अच्छा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 14 साल से आप इस क्लिनिक को रन कर रहे हैं, तो 14 साल के अंदर आपके पास सबसे क्रिटिकल केस अभी तक का कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी? 14 साल में ऐसे क्रिटिकल केसेस तो बहुत आए हैं, लेकिन बस वो होता है कि हमें ओरल कैविटी देख के कई पेशेंट्स होते हैं कि आपको इन्फॉर्म नहीं करते अगर एड्स रिलेटेड या हेपेटाइटिस रिलेटेड उनको कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमें ओरल कैविटी वाइज ड्यूरिंग द चेकअप जब हम देखते हैं तो हमें ओरल कैविटी देख के पता चलता है। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जब भी डॉक्टर के पास जाएँ तो पहले आप उनको अपनी पूरी प्रॉपर हिस्ट्री दीजिए ताकि लेटर ऑन आपको ना सफर करना पड़े। जो भी हीमोफिलिक पेशेंट हैं उनको प्रॉपरली आपके डॉक्टर को आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या प्रॉब्लम्स रह चुकी हैं पहले। ओके, सो अभी आपने कोरोना वैक्सीन लगवाई? जी, मैंने कोरोना वैक्सीन काफ़ी पहले लगवा ली है, मेरी दोनों वैक्सीन होती है।
और आपके स्टाफ की अच्छा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछना है। मेरे फादर इन लॉ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और क्या नाम है उनका? मिस्टर कर्णी सिंह राठौर। मेरी मदर इन लॉ हाउस वाइफ है। माई हस्बैंड इज वर्किंग इन लखनऊ एंड नावा राइट नाउ। वो भी डॉक्टर है? नहीं, ही इज एन एमडी। ओके, सो अभी आपके मतलब पूरे फैमिली के अंदर वैक्सीन लग गई है और दोनों डोज लग रहे हैं? जी जी, अबाउट 18 दोनों डोज लग रहे हैं। अबाउट 18 दोनों डोज लग रहे हैं। जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इस पैंडेमिक टाइम के अंदर आपने पेशेंट को देखने का समय क्या रखा? आप ऑनलाइन भी पेशेंट को देखते थे और आपके पास जो वॉकिंग आ रहे थे उनको भी देखते थे, तो आपका टाइम क्या था? नहीं नहीं, ड्यूरिंग लॉकडाउन हमने वॉकिंग पेशेंट नहीं देखे हैं। हमने प्रॉपर हिस्ट्री ली है पहले उनसे फोन पे और फिर ही हमने उनको अपॉइंटमेंट दिया है, तो वो वॉकिंग पेशेंट सेम ड्यूरिंग और ये अपॉइंटमेंट देखी। तो टाइमिंग क्या था, अभी आपका टाइमिंग क्या है पेशेंट करने के लिए? मॉर्निंग में 10 से 2 और शाम को 5 से 8। मॉर्निंग में 10 से 2 और शाम को 5 से 8। सो अभी मतलब इवनिंग में कितने पेशेंट आते हैं, मॉर्निंग में कितने पेशेंट आते हैं? अभी भी हम अपॉइंटमेंट बेसिस पे ही पेशेंट ले रहे हैं। बहुत ही किसी को पेन होता है वॉकिंग पेशेंट को, तो हम उनको मेडिसिन दे के भेज देते हैं, देन वी गिव देम द अपॉइंटमेंट। ओके, अच्छा ये जो तीसरा चरण जो आ रहा है, तीसरे चरण की बात हो रही है कि ये तीसरा चरण बहुत जल्दी आने वाला है, इसका बच्चों में ज़्यादा असर दिखेगा, बच्चों और बच्चे मतलब ही ज़्यादा थोड़ा सा मतलब घबरा गए हैं क्योंकि उन्हीं के बारे में ज़्यादा बातें हो रही है। तो आपके पास बच्चों के केसेस भी आते हैं कि उनको कोई उनके प्रॉब्लम है, माउथ की प्रॉब्लम है, फिक्स में प्रॉब्लम हो रही है? हम भी पीडियाट्रिक पेशेंट भी आते हैं, लेकिन अभी पेंडेमिक से रिलेटेड कुछ नहीं है, जो मतलब ओरल उनके मेनली प्रॉब्लम कैविटीज की रहती है, तो ठीक है उनका हम केरियर कंट्रोल करते हैं पीडियाट्रिक पेशेंट में, तो अभी एज सच पेंडेमिक से रिलेटेड कोई। जी, अच्छा मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे एक पूछना चाहूँगा कि आप आवाज़ इंडिया न्यूज़ के माध्यम से जनता को कोई मैसेज देना चाहती हैं? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप प्लीज़ इसको लेके डरिए मत, अगर आपको कोई भी आप अपनी ओरल कैविटी का सबसे पहले ध्यान रखिए, माउथ वॉश डेली यूज़ कीजिए, और अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड ओरल हाइजीन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर को कॉल कर लीजिए और अपॉइंटमेंट लीजिए। अब इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, तो आप प्लीज़ ध्यान दीजिए। तो सुना दोस्तों आपने कि डॉक्टर सपना शेखावत ने अपने मन की बात कह दी है कि प्लीज़ घबराने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव सोचिए, ये बीमारी पॉजिटिव जरूर है लेकिन लोगों के दिमागों में नेगेटिव का घर बना चुकी है, तो डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, डोज लेते रहना है, सभी को कोरोना वैक्सीन लगनी चाहिए और बहुत जल्दी सभी को लग जाएगी, प्लीज़ डरने की जरूरत नहीं है, मास्क का उपयोग करते रहिए, सैनिटाइजर का उपयोग करते रहिए, 2 गज की दूरी बनाकर रखिए और बहुत जरूरी बात तीसरे चरण से बचना है तो प्लीज अपने दोनों चरणों को घर के अंदर रखिए, बहुत जरूरी काम होने थे घर से बाहर निकलिए और देखते रहिए आवाज़ इंडिया न्यूज़। मैं राहुल, कैमरामैन राजेश के साथ।